अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं वनीला आइसक्रीम। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी, बस 3 इंग्रेडिएंट हमें चाहिए और हमारा टेस्टी वनीला आइसक्रीम बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए इस आइसक्रीम को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है, उसमें मैं ले रही हूँ टोटल 1.5 कप विप क्रीम। आप इस आइसक्रीम को अमूल क्रीम से भी बना सकते हैं, पर मेरी मानिए तो विप क्रीम से ही बनाइए, क्योंकि विप क्रीम से इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब विप क्रीम को विप्ड करना है, जब तक ये अच्छे से फोम टाइप का नहीं हो जाता है, मतलब फूल नहीं जाएगी। और हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्रीम एकदम चिल्ड होनी चाहिए, और जो भी सामान हम ले रहे हैं यहाँ पे, मतलब जिस भी बर्तन में आप विप्ड करिएगा, वो बर्तन भी एकदम चिल्ड होना चाहिए। और अगर आप चाहें तो नीचे बर्फ़ का पानी या ठंडा पानी भी रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसको विप्ड किया है 15 मिनट। ये बहुत ही अच्छी तरीके से विप्ड हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस डालना ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं वनीला आइसक्रीम। और 1/2 कप कंडेंस मिल्क, ये भी आपको मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अगर मार्केट में नहीं मिले तो आप घर पे भी इसको बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। इसकी भी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाली है। इन दोनों चीज़ को डालने के बाद फिर अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, ताकि कंडेंस मिल्क और ये जो हमने वनीला एसेंस डाला है, दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो देखिए, इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी सेट होने के लिए। तो टोटल मैंने इसको 1.5 घंटे बाद निकाला है। ये देखिए, ये जमना स्टार्ट हो गया है। अब इसको अच्छे से एक बार फिर मिक्स करेंगे। आप यहाँ पे हैंड ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने देखिए मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको जमने के लिए रखूँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया है, और उसमें मैं अब आइसक्रीम को डालूंगी और इस तरह से फैला लूंगी। मैंने पूरी आइसक्रीम को इस कंटेनर में डाल के अच्छे से फैला लिया है। अब मैं इसको ढक दूंगी, मतलब ढक्कन लगा के फ्रीज़र में रख दूंगी पूरी रात के लिए। आप यहाँ चाहें तो एल्युमिनियम फॉयल लगा के तब ढक्कन लगाएं। अब इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे। तो पूरी रात के लिए मैंने जमने के लिए इसको रख दिया था एल्युमिनियम फॉयल लगा के। अब हम इसको खोलेंगे और चेक करेंगे तो आइसक्रीम तैयार हुई है या नहीं। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्टली हमारा आइसक्रीम बनके रेडी हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।